हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन चिली। बहुत इजी रेसिपी है, चलिए आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे प्रोसेस देखते हैं कैसे बन रहा है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन चिली। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये चिकन का पीस मैंने छोटा छोटा लिया है। आप मार्केट में जाएंगे, चिली का पीस बोलेंगे तो चिली का पीस वैसे ही काट के देते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए मैंने ये लिया है अरारोट का आटा, इसको मैं एक कप जैसा ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा रखूँगी इसको, पूरा नहीं डालूँगी। और ये है मैदा, वो जो कप लिए थे उससे छोटा है, इसको भी पूरा नहीं डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा रख दिए हैं। थोड़ा सा नमक, एक चम्मच नमक ली हूँ मैं। ये मीठा सोडा है, इसको आधा चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये छोटी चम्मच है, उसमें एक चम्मच ली हूँ। हम लोग इसमें कलर ऐड करेंगे, ये फूड कलर है, इसको डाल देते हैं। चलिए इसको मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको हाथों से ही मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा बनाना पड़ता है। ये जो अरारोट का आटा बचा हुआ था उसको मैं पूरा डाल देती हूँ इसमें। और ये मैदा, चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको पूरी तरह से देखिए ऐसे ही मिक्सचर बनना चाहिए, एकदम पतला नहीं, एकदम मोटा भी नहीं, ऐसे ही मिक्सचर चाहिए। इसको थोड़ा देर तक हम ऐसे करेंगे, मिक्स कर देंगे पूरा। देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है, तेल गर्म भी हो गया है, भाप आ रहा है यहाँ पे। चलिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। ऐसे पूरी चारों तरफ डाल देंगे। आप जो खाने में तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, जो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो उसको पलट देते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बच्चों को खास कर बहुत पसंद आता है क्योंकि ये कलरफुल रहता है। चलिए हमारा ये चिकन का पकौड़ा है जो वो तैयार हो गया है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है ये। चलिए सेकेंड प्रोसेस करते हैं हम लोग, डालते हैं इसको। इसमें फ्लेवर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, चाहे तो आप सूखी लाल मिर्च और काली मिर्च ये सब डाल सकते हैं, लेकिन चिकन तो अपने आप में वैसे ही टेस्ट रहता है, मसालों की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। चिली बनाने के लिए हम हरी मिर्च लेंगे, इसके लंबे लंबे कटिंग कर देंगे। ये शिमला मिर्च है, जैसे आप अपने हिसाब से जितना डालते हैं डाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा चाहिए। मैंने तीन लिया है और दो ये प्याज लिया है, इसको कटिंग कर देंगे लंबे लंबे साइज़ में। और ये है सॉस ली हूँ मैं, टोमेटो सॉस, सोया सॉस और ये विनेगर। मैं चिली सॉस इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिली हो गया है और मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। चलिए इसको कट करते हैं। चलिए ये हो गए हैं पकौड़े, निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने आधा किलो लिया था
चिकन काफ़ी सारे बन गए हैं। चलिए मैंने सब्जियां कट कर ली है। ये शिमला मिर्च है, मिर्ची, प्याज और इसमें लहसुन ऐड करना भूल गई थी, लहसुन इसको भी कट कर दिए हैं। देखिए मैंने कढ़ाई का तेल थोड़ा सा कम कर दिया है। चलिए सबसे पहले हम लहसुन को डालते हैं, ढक देते हैं थोड़ा फ्लेवर आने के लिए। उसके बाद मिर्च डालेंगे। मैंने हरी मिर्च कुछ ज़्यादा ही ली है क्योंकि चिली सॉस मैं नहीं डाली थी। सब्जियों को एकदम से भूनना नहीं है। चलिए अब शिमला मिर्च, प्याज सबको ऐड करते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देती हूँ। इसमें नमक आधा चम्मच, धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर था वो डाल दूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैं सबको ऐड कर दी। ये सबको मिला देते हैं हम लोग। बस खाली थोड़ा सा गलाना है। इसको ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दिए हैं हम लोग। ये कोई अच्छे से सब्जियाँ पक गई हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी, करीबन 2 चम्मच। ये सोया सॉस, सोया सॉस की ढक्कन में वेनेगर डाल रही हूँ। ये जो पकोड़े बनाए हैं चिकन के उसको डाल देती हूँ। अब इसमें सॉस डाल देंगे हम लोग, अच्छे से मिला लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे इसमें चीनी क्यों डाली हूँ। मैं चीनी इसलिए डाली हूँ क्योंकि मैं टॉप का सोया सॉस डाली हूँ, सॉरी टमाटर सॉस डाली हूँ। वो इतना मीठा नहीं रहता है, हल्का सा खट्टापन आ जाता है, इसलिए इसमें हल्का सा मीठापन लाने के लिए शक्कर ऐड की है। चलिए फिर पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं। मैंने टमाटर सॉस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, थोड़ा सा और डाला है 2 चम्मच करीब। चाहे तो आप कम टमाटर सॉस भी ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैश होने के लिए हम लोग 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब फ्लेम कम कर देती हूँ। ये हमारी चिली रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है, आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए मेरा वीडियो फॉलो कीजिए और आप भी अपने घर में ये बनाइए। बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है, यम्मी भी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।